तो जो शुरुआती रुझान अभी आ रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी पंजाब में बढ़त बनाती दिख रही है, और इसी के साथ अगर हम इन रुझानों को देखें तो आम आदमी पार्टी अगर यही नतीजे में बदलते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार जाहिर तौर पर पंजाब में बन सकती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार कुल दो राज्यों में हो सकती है, एक है दिल्ली और दूसरा पंजाब। अब हम अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी इस वक्त अभी सिर्फ दो राज्यों में है, जिसमें एक है राजस्थान, दूसरी छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं एक तरह से यह दिख रहा है कि भरोसा आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का दिख रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से पैर पसार रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह की मेहनत है, उसका रंग भी दिख रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति जो है वो डमाडोल होती दिख रही है। पहले केंद्र से बाहर हुई, उसके बाद कई राज्य उनके हाथ से फिसले, और अब पूरे देश की बात करें तो सिर्फ दो ऐसे राज्य बचे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। अब जो अभी के रुझान चल रहे हैं उसके मुताबिक भी कांग्रेस को किसी भी राज्य में कुछ खास फायदा होता दिख नहीं रहा है। पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वहां से भी सत्ता कांग्रेस के हाथों से जाती दिख रही है। इसके पीछे वजह कई सारी हो सकती है। पार्टी में कुछ आपसी कलेश भी चल रहे थे, अमरिंदर सिंह का अलग होना, बहुत सारी वजहें हैं, और साथ ही साथ नाराजगी जो सीएम को लेकर रही वो भी कहीं ना कहीं वजह हो सकती है पंजाब में कांग्रेस का जो कांग्रेस की जो स्थिति है उसके पीछे। खैर, रुझानों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के हाथों से जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी फिर से एक और राज्य की ओर बढ़ रही है। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।